नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई 2021 से सीजीपीएससी मेंस का पेपर आयोजित होने जा रहा है और आप सभी का ये कहना था कि एसी राइटिंग के लिए खासकर कुछ टॉपिक्स अवेलेबल करा दिया जाए। तो हमने आपसे बोला भी था कि कुछ दिन हमें समय दीजिए, हम टॉपिक्स बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे और टॉपिक्स के साथ में अच्छा खासा कंटेंट भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छत्तीसगढ़ के इशूज़ पर भी हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पर भी हैं। ये सारे टॉपिक का संग्रह लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ इशूज़ में भी और नेशनल इशूज़ में भी। ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, लगभग 20 दिनों का वक्त है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आज शाम से, बहुत हार्डली तो आज इवनिंग से आपको ये हमारी टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और खास बात यह है कि बिल्कुल फ्री है, आपसे किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है। आप में से जो भी ऐसे राइटिंग का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कुछ अच्छा कंटेंट या टॉपिक्स ढूंढ रहे हो, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस वर्ष मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारी करना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंटेंट होते हैं, किस प्रकार से टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर का कौन कौन सा ऐसा चीज़ होता है या फिर कौन कौन से ऐसे डेटा होते हैं जिसका वैल्यू एडिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक झलक टॉपिक्स का ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हालाँकि आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इस कमेंट के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन किया हुआ रहेगा और इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन किया हुआ रहेगा, यानी कि कमेंट किया हुआ रहेगा। तो वहां से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम पे विजिट कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करके भी वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये सारे कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ये छत्तीसगढ़ के इश्यूज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। छत्तीसगढ़ में जो भी है या फिर इरिगेशन सिस्टम से है या जो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर दिया हुआ है। लॉकडाउन से स्टेट गवर्नमेंट को किस प्रकार से नुकसान हुआ है और किस प्रकार से उनके सामने चैलेंजेस थे, इन सारे टॉपिक्स को दिया हुआ है। हाँ, खास बात एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंटेंट हैं हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अवेलेबल हो पाया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ होगा। आप चाहो तो इसे ट्रांसलेट कर पढ़ने की कोशिश करो और जो भी यहाँ पर डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप इकट्ठा कर सकते हो वैल्यू एडिशन के तौर पर। तो ये सारे गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको, छत्तीसगढ़ में टूरिज्म से रिलेटेड जो हर साल पूछा जाता है, आप अगर देखोगे तो आदिवासियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीम से रिलेटेड भी एसी राइटिंग में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से रिलेटेड भी यहाँ पर एसी आया है, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है। तो पूरा एकदम मिश्रण है हर एक टॉपिक का। अब देखोगे तो छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पर टोटल 21 टॉपिक्स दिए गए हैं और अगर मैं सही हूँ और अगर मेरा अनुभव सही है तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इर्द गिर्द हो सकता है लेकिन लगभग सारे यहां से आ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले 10 से 12 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुए हैं सबको यहां पर शामिल किया गया है। क्लियर है? इसी के अलावा यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक भी आप देखोगे तो हर एक चीज यहां पर जुड़ा हुआ है। जो भी हमारे देश में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उस पर भी दिया हुआ है। हर बरसात में देखते हो बाढ़ की समस्या आती है पूरे देश भर में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी है। एग्रीकल्चर बिल आप देखोगे पिछले कुछ महीनों से लगातार विवादों में है तो उससे रिलेटेड भी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें पूरा मटेरियल दिया हुआ है और जितने भी आर्टिकल्स इन टॉपिक्स पे लिखे गए हैं तो हूबहू आपको एसे में लिखना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं और जितने भी टॉपिक के कंटेंट्स हैं अंदर में जितने भी हैं वो सब आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई किया गया है। तोड़ तोड़ कर हर एक पॉइंट वाइज दिया गया हुआ है लेकिन आप वैसे ही हूबहू लिखें ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हर किसी का लिखने का तरीका अलग होता है, वर्ड फॉर्मेशन हर किसी का अलग अलग होता है। तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़िएगा,
टॉपिक्स को पढ़िएगा, टॉपिक्स को समझिएगा, यहाँ से कंटेंट उठाइएगा, वैल्यू एडिशन उठाइएगा और अपने जो भी आपका ऐसे राइटिंग लिखोगे वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतर स्कोर करोगे। इस तरह से हमने पिछले साल भी अवेलेबल कराया था और आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा था। तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करें और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके जाइएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपका आएगा इसी के इर्द गिर्द आएगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर हो सके तो हम लोग वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दें, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि टेलीग्राम पे ही सिर्फ होगा। तो वेबसाइट हो या टेलीग्राम हो, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।